नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। त्योहारों का सिलसिला शुरू हो चुका है। अब से कुछ दिन में दुर्गा पूजा है, इसके बाद दिवाली और फिर छठ। ऐसे में लोग बिहार आने की तैयारी कर रहे हैं, अपने घर आने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन इस सबके बीच बिहार सरकार की तरफ से नई गाइडलाइंस जारी कर दी गई है। आपको बताएं कि सीएम नीतीश कुमार ने बताया है कि जितने भी लोग बिहार आना चाहते हैं, अपने घर आना चाहते हैं, उन्हें इन नियमों का सख्ती से पालन करना होगा। ऐसे में क्या कुछ दिशा निर्देश हैं प्रवासियों के लिए, क्योंकि हर कोई अपने घर वापस आना चाहता है। दशहरा का पर्व आने वाला है, छठ आने वाला है। ऐसे में लोग उत्साह से इस त्योहार को मनाते हैं और यही वजह है कि चाहे लोग देश के किसी भी कोने में हो, वो पर्व त्योहार में अपने घर पर ही आना चाहते हैं और अपने परिवार वालों के साथ त्योहार को मनाना चाहते हैं। ऐसे में सीएम नीतीश कुमार की से ये नई गाइडलाइंस जारी कर दी गई है, जिसमें बाहर से आने वाले लोगों को इसका खास ख्याल रखना होगा। क्या कुछ गाइडलाइंस जारी किए गए हैं, क्या कुछ कहना है सीएम नीतीश कुमार का, किस तरह के प्रोटोकॉल्स का पालन करना होगा, आपको इससे जुड़ी सारी जानकारी देते हैं। बिहार सरकार ने आगामी त्योहारों को देखते हुए बड़ा निर्णय लिया है। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर देश भर से बड़ी संख्या में लोग बिहार आते हैं। ऐसे में बिहार सरकार की तरफ से जो नई गाइडलाइन जारी की गई है, उसके तहत 72 घंटे पहले कराई गई आरटीपीसीआर निगेटिव जांच रिपोर्ट उन लोगों को लानी जरूरी होगी। दरअसल देश के कई राज्यों में एक बार फिर कोरोना संक्रमण तेजी से सिर उठा रहा है, साथ ही कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट का खतरा भी सामने आ गया है। इसलिए सरकार ने निर्णय लिया है कि जिन राज्यों में कोरोना संक्रमण के ज्यादा मामले और डेल्टा प्लस वेरिएंट सामने आ रहे हैं, वहां से बिहार आने वालों को अपने साथ 72 घंटे पहले कराई आरटीपीसीआर निगेटिव जांच रिपोर्ट अपने साथ रखनी होगी। साथ ही सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि उन लोगों के लिए लिया गया जो हवाई जहाज, ट्रेन, बस या अन्य वाहनों से राज्य में प्रवेश करेंगे, उन सभी को अपने साथ 72 घंटे पहले का आरटीपीसीआर निगेटिव जांच रिपोर्ट साथ रखना होगा। यदि वो ऐसा नहीं करते हैं तो उनकी जाँच बिहार की सीमा में प्रवेश करने पर हवाई अड्डे और रेलवे स्टेशन पर की जाएगी। ऐसे सभी लोग जो बिहार आएंगे और उनके पास आरटीपीसीआर निगेटिव जांच रिपोर्ट नहीं होगी तो उनका रैपिड एंटीजन टेस्ट किया जाएगा। क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में नीतीश कुमार ने यह निर्णय लिया है। सरकार का मानना है कि त्योहारों के दौरान लाखों की संख्या में अन्य राज्यों से लोग बिहार आते हैं, इसलिए 26 सितंबर से लेकर 15 नवंबर तक यह नियम बिहार में लागू रहेगा। सरकार ने यह भी तय कर लिया है कि खास तौर पर केरल और महाराष्ट्र से आने वाले लोगों की जांच कराई जाएगी, क्योंकि माना जा रहा है कि इन दोनों राज्यों में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, साथ ही कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट भी सामने आ रहे हैं। इसलिए सरकार द्वारा स्वास्थ्य विभाग को हवाई अड्डे, रेलवे स्टेशन और बिहार की सीमा पर विशेष चौकसी बरतने का निर्देश दिया गया है। तो लगातार जिस तरह से कोरोना का खतरा जो है वो मंडरा रहा है, ऐसे में बिहार सरकार की तरफ से ये निर्णय लिया गया है, जिसके तहत अगर आप बिहार में आना चाहते हैं तो आपको अपने साथ जो आरटीपीसीआर टेस्ट है उसकी रिपोर्ट रखनी होगी। और ये बेहद जरूरी है कि ये रिपोर्ट 72 घंटे के अंदर की हो, यानी कि जहां एक तरफ लोग बिहार आने की तैयारी कर रहे हैं, लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है, तो ऐसे में बिहार सरकार की तरफ से भी ये दिशा निर्देश दिए गए हैं, जिसके तहत आपको अपने साथ कोरोना के निगेटिव रिपोर्ट जो है वो रखने होंगे, तभी आपको बिहार में प्रवेश करने की इजाजत मिलेगी। आपको बताएं कि जिस तरह से लगातार राज्यों में कोरोना संक्रमण का खतरा गहराता जा रहा है, लगातार कई ऐसे राज्य हैं जहां पर मामले भी सामने आने शुरू हो गए हैं, ऐसे में बिहार सरकार ने ये निर्णय लिया है ताकि बिहार को आगे जाकर जो परेशानी है उसका सामना ना करना पड़े। ऐसे में अगर आप भी बिहार आने की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप भी त्योहार अपने परिवार के साथ मनाना चाहते हैं, अगर आपने भी अपनी टिकट जो है वो बुक कर ली है, तो आपके लिए ये बेहद जरूरी है कि आप अपने साथ आरटीपीसीआर की जो निगेटिव रिपोर्ट है वो अपने साथ रखें। और खास ध्यान देने की बात जो है वो ये है कि ये रिपोर्ट 72 घंटे के अंदर की ही होनी चाहिए, तभी आपको बिहार में प्रवेश करने की इजाजत मिलेगी। फिलहाल इतना ही, ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।